सिर्फ सिर्फ जश्न रेखा को देखते हुए जबान के लिए जो जस्तजू है लोगों की कि ये जो साझी संस्कृति है, जो साझी जबान है, ये मोहब्बत, ये प्रेम, ये सद्भावना सदा बढ़ती रहे, आज इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जश्न रेखता में आता है वो कम अज़ कम उसको इस बात का सबूत मिल जाता है और हर बार ये बात पुख्ता हो जाती है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो कभी मरने नहीं वाली है। ये सब बातें कि उर्दू ज़िंदा नहीं रह गई है, ये सब जश्न रेख्ता में आके बिल्कुल बर्खास्त हो जाती हैं। और दूसरी बात ख़ास तौर पे जो कहने वाली है वो ये है कि हाँ, आप इतना क्राउड देख रही हैं, कल मुझे बताया गया कि 2.25 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, उसके अलावा वॉक इन फुटफॉल भी काफ़ी है, तो ये जो 3 लाख लोग यहाँ आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी पहली ज़बान या मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। तो उन लोगों को अगर इस ज़बान से इतना शगफ है, इतनी मोहब्बत है, तो ये इस बात की ज़ामिन है कि उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू इंसानियत की ज़बान है। सैफ सर, आपने बताया कि ज़बान जो है वो मोहब्बत की है और सबके दिलों के बहुत करीब है। जश्न रेख्ता आपने बिल्कुल बताया कि किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और इसे अपने खूब मोहब्बत दे रहे हैं, तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो इस ज़बान के साथ आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो पढ़िए। एक बड़ा मसला ये है हमारे यहाँ कि आपको लिख जॉन एलिया ने बहुत उम्दा बात कही थी। जॉन एलिया साहब ने फरमाया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना चाहिए मगर वो लिख रहे हैं। तो ज़रूर लिखिए, अपने लिए लिखिए, लेकिन दूसरों के लिए लिखने से पहले पढ़िए। और चाहे जिस स्क्रिप्ट में पढ़िए, आपको अगर उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती है, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं नहीं आ रही, ये कोई बात नहीं। अगर चॉइस इसमें है कि आप ना पढ़ें या देवनागरी में पढ़ें, तो मैं कहूँगा कि आप देवनागरी में पढ़िए और क्लासिकी पढ़िए। हमारे जो असातिज़ा हैं, मीर, गालिब, फिराक, जिगर, इकबाल, फैज़, इन लोगों को पढ़िए। जब तक आप क्लासिकी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप असातिज़ा को नहीं पढ़ेंगे, आपको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर भी समझ में नहीं आ सकता है। हमें एक असासा छोड़ के जाना है, एक लेगेसी छोड़ के जानी है अपनी अगली जनरेशन के लिए। हर आदमी जश्न रेख्ता नहीं कर सकता। संजीव सराफ साहब, हैट्स ऑफ टू हिम कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह सैफ साहब ने बताया कि जो ज़बान है उसको जो आगे बढ़ाने की पहल है वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक शख्सियत पर है, तो पढ़ते रहिए ज़बान को, ज़बान को आगे बढ़ाइए, खूबसूरती को ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।